दोस्तों टारगेट आज के इस शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बताना चाहूंगा अगर आप लोग अपना जनरल अवेयरनेस का सेक्शन इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है अन अकेडमी की तरफ से वरुण अवस्थी सर के द्वारा पंद्रह जनरल अवेयरनेस के ल्यूसेंट बेस मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज़ किए जा रहे हैं ये जो टेस्ट होंगे ये नवंबर नौ से शुरू हो जाएंगे और नवंबर उनतीस तक चलेंगे इस पंद्रह टेस्टों के तीन एनालिसिस वीडियोस भी आपको मिलेंगे ये डेली बेसिस पर टी ट्वेंटी टेस्ट सीरीज नाम से एक सीरीज चलाई जा रही है तो अगर आप इसमें इनरोल करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा अन का वहां पर जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं सो so दैट आपका जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन इंप्रूव हो सके अब देखो दोस्तों आज का जो क्वेश्चन है वो भी काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जैसा कि पहला क्वेश्चन बना है कि हाल ही में आर ने एक रिपोर्ट जारी करी है और इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड नाइनटीन के दौरान में एम सेक्टर जो होता है उसके द्वारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के मामले में यानी कि रोज़गार पैदा करने के मामले में कौन सा राज्य पाँचवें स्थान पर आया है तो पाँचवें स्थान पर जो राज्य आया है उसका नाम है उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर एस का राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में कोविड नाइन्टीन के दौरान जिस समय लोगों की नौकरियां जा रही थी और बड़े बड़े शहरों से लोग अपने राज्य को वापस जा रहे थे ऐसे समय पर भी उत्तर प्रदेश पूरे देश का पांचवा सबसे बड़ा ऐसा राज्य बना है जिसने एम जिसका जो एम सेक्टर होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइस जिसको बोलते हैं उसके द्वारा रोजगार पैदा करने के मामले में उत्तर प्रदेश जो है ये पांचवें स्थान पर रहा है इसका एक फ़ोटो भी आपको दिखाऊंगा सो so दैट आप अच्छे से समझ सको यहाँ पर आप यूपी के सीएम को देख सकते हो साथ ही साथ में लिखा है एमएसएमई जिसका फुल फॉर्म भी आपको याद होना चाहिए माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज़ेस ये इसका नाम हो जाएगा इसके द्वारा ही जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया गया था उस मामले में उत्तर प्रदेश अमंग टॉप फाइव इन एम एस एम ई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एमिड कोविड नाइन्टीन ठीक है तो ये आपको याद रखना है साथ ही साथ में इस क्वेश्चन से जुड़े हुए बहुत सारे पॉइंट भी हमें याद रखने हैं जैसे आपसे घुमा फिरा कर ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ एक राज्य का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताओ इसकी रैंकिंग उत्तर प्रदेश से अच्छी है या नहीं इस टाइप से घुमा फिरा कर पूछेगा तो यूपी से आगे एक से लेकर चार स्थान पर कौन कौन से राज्य हैं इसमें यूपी से आगे महाराष्ट्र है तमिलनाडु है गुजरात है और मध्य प्रदेश ये चार राज्य जो हैं ये यूपी से आगे है और यूपी इसमें पाँचवें स्थान पर आता है इसके अलावा इससे जुड़ा हुआ एक पुराना क्वेश्चन भी हम लोग कर लेते हैं आपको पता होगा ये जो एम एस एम ई सेक्टर होता है इसकी एक लिमिट होती है कितना इसमें निवेश है और कितना इसमें आपका बिजनेस होता है तो उस बेसिस पर इसमें माइक्रो एंड जो मीडियम एंटरप्राइज़ होते हैं उसको अलग अलग कैटेगरी दी गई है वर्ष 2020 में क्या हुआ था कि एम की एक नई परिभाषा जारी कर दी गई थी उस परिभाषा से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो उसको लेकर क्या क्वेश्चन बन सकते हैं एक फ़ोटो से ही हम लोग समझ सकते हैं जब आप इसका पी डाउनलोड करोगे तो इस फोटो से ही सब कुछ समझ लेना यहाँ पर देखो दो चीज़ें हैं कि एम एस एम ई की जो पुरानी परिभाषा है वो लिखी है और एम एस एम ई की जो नई परिभाषा है वो लिखी है तो सबसे बड़ा देखो चेंज क्या है इसको यहाँ पर इतना कर लेते हैं सो so दैट आपको अच्छे से दिखता रहे सबसे बड़ा यहाँ पर चेंज ये रहा कि 2020 में जो नई डेफिनेशन आई है उससे पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का लिमिट अलग था सर्विस सेक्टर की लिमिट अलग हुआ करती थी लेकिन 2020 में जो नई डेफिनेशन आई है उसमें मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर दोनों को एक कर दिया गया है सेम कर दिया गया है तो जो नई परिभाषा है उसके अनुसार चूंकि पहले दोनों सेक्टर अलग हुआ करते थे तो उनमें जो माइक्रो लेवल की इंडस्ट्री है वो किसको बोला जा रहा था जिसमें 25 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट हो वो मैन्युफैक्चरिंग का माइक्रो सेक्टर हुआ करता था ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इसी प्रकार से जो सर्विस सेक्टर था उसमें दस लाख से कम का जो इन्वेस्टमेंट था उसको माइक्रो लेवल की इंडस्ट्री बोला जा रहा था लेकिन अब हमें समझ कर रखना है कि आज की डेट में माइक्रो का मतलब है जिसमें इन्वेस्टमेंट एक करोड़ से कम होगा वो आ जाएगा आपका माइक्रो में और उसका टर्नओवर भी आपका पाँच करोड़ से कम होना चाहिए तो उसको माइक्रो बोलेंगे अगर किसी भी इंडस्ट्री का इन्वेस्टमेंट दस करोड़ से ज़्यादा और टर्न ओवर पचास से कम है तो उसको स्मॉल बोला जाएगा और मीडियम उसको बोला जाएगा जिसका जो टर्नओवर है वो 20 करोड़ से ज़्यादा और इसका सॉरी इन्वेस्टमेंट बीस करोड़ से ज़्यादा बीस करोड़ के आसपास में और टर्न ओवर सौ करोड़ के आसपास में है तो उसको बोला जाएगा यहाँ पर मीडियम इंटरप्राइसिस तो ये डिफरेंस है फ़ोटो में भी आप समझ सकते हो अगर आपसे पुराना नया और मैन्युफैक्चरिंग सर्विस किसी भी प्रकार से घुमा फिरा क्वेश्चन पूछे तो आपको ये वाला फोटो हर समय याद होना चाहिए दोस्तों कल एक अजीब सा वाक्य हुआ है यहाँ पर एक तेजपुर लीची है असम राज्य की एक लीची है जिसको तेजपुर लीची के नाम से जानते हैं इसको जीआई टैग वाला क्वेश्चन है करंट अफेयर्स में पढ़ाया जाने लगा जबकि असम की तेजपुर की ये जो लीची है इसको 2015 में जीआई टैग दिया गया था अचानक से क्या हुआ कि इसको किसी ने ट्विटर पे एक ऑफिशियल ट्विटर से किसी ने एक पुरानी इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर दिया उसके बाद में कई न्यूज़ चैनल पर कई सोशल मीडिया जो वेबसाइट्स होती हैं वहाँ सॉरी करंट अफेयर्स और न्यूज़ वाली वेबसाइट होती हैं उन्होंने इस खबर को अपडेट कर दिया जबकि ये पुराना खबर है लेकिन मुझे मैं करवा इस वजह से रहा रहूँ क्योंकि सीखना ज़्यादा अच्छा है क्योंकि हो सकता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाए तो क्या करेंगे तो क्वेश्चन पुराना है फिर भी कर लेते हैं किस राज्य की तेजपुर लीची को जीआई टैग प्रदान किया गया है तो आंसर हो जाएगा असम राज्य की तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया है ये असम राज्य से बिलोंग करता है ये जो जीआई uh, टैग है ये 17 मार्च 2015 को दिया गया था अचानक से इसका न्यूज़ 2020 में वायरल हो गया है इस वजह से हम लोग इस क्वेश्चन को कर रहे हैं अब चूंकि यहाँ पर जीआई टैग की बात हुई है तो 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट जी टैग हैं उसकी पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पर आपके लिए इंक्लूड करी है सो दैट करंट अफेयर्स के साथ साथ में आपका स्टैटिक जी भी स्ट्रॉन्ग होता जाए तो इस पूरी लिस्ट में आप लोग देखोगे तो यहाँ पर अगर हम शुरुआत से करना शुरू करें क्वेश्चन को तो जम्मू एंड कश्मीर में एक सेफरन जो केसर होता है मोंगरा मोंगरा लक्षा जिसको बोलते हैं या गुच्छी बोलते हैं उसको जी आई दिया गया था इसी प्रकार से तमिलनाडु से कोविल कोविल पत्ती कडलई मिठाई ये एक तरीके से फूड आइटम है इसको भी तमिलनाडु से जी आई दिया गया था इसके अलावा एक हैंडी क्राफ्ट का वर्क होता है जिसको पिथ वर्क के नाम से जानते हैं इसको तमिलनाडु से दिया गया था इसके बाद में एक हैंडी क्राफ्ट की चीज़ है जिसका नाम है अरुम्बावूर वुड कार्विंग ये भी तमिलनाडु से इसको जी आई दिया गया है गोरखपुर का जो टेरा कोटा वर्क होता है जो कि हैंडी क्राफ्ट की कैटेगरी में आता है उसको यूपी से जी आई दिया गया था चाक हाओ इसको मणिपुर से दिया गया था तेलिया रुमाल, तेलिया रुमाल जो है इसको तेलंगाना से जी आई दिया गया है हाल ही की बात है साथ ही साथ में झारखंड से सो सोहरई खोवर पेंटिंग जो है उसको भी दिया गया था इसके अलावा भी सितंबर में जो हमने किया था गोवा राज्य से तीन चीज़ों को दिया गया है गोवा का एक मिठाई है खाजे अब मोइरा बनाना वहाँ का एक केला है पतला सा होता है जिसको मोइरा बनाना के नाम से जानते हैं इसको गोवा से जी टैग दिया गया था और एक वहाँ की मिर्ची है जिसको हरमल मिर्ची के नाम से जानते हैं हर्मल चिली इसको भी जी टैग जो है प्रदान किया गया था इसके बाद में अगला क्वेश्चन बनेगा उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे वीडियोस को अगर आप प्यार देना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ लाइक और शेयर के माध्यम से ही दे सकते हैं सभी लोग एक एक लाइक भी करोगे तो बहुत सारा प्यार हमें मिलेगा अगला क्वेश्चन है कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला जे पुरस्कार दो हज़ार बीस जे फॉर -बी लिटरेचर दो किसे प्रदान किया गया है तो आंसर हो जाएगा इसको हाल ही में एस हरीस को प्रदान किया गया है एस हरीस ठीक है हाल ही में एस हरीस को जैसी भी पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें आप देख सकते हैं एस हरीस जो है एस हरीस लिखा है मलयालम ऑथर एस हरीस विंस 2020 जेसीबी जे सी बी प्राइज फॉर लिटरेचर फॉर मुस्तचे ठीक है यहाँ पर इनका एक लिटरेचर इनका एक नॉवल था जिसका अंदर मोस्त जिसके लिए एस हरीस को मलयालम ऑथर हैं उनको जेसीबी भी प्राइज फॉर लिटरेचर से सम्मानित किया गया है यहाँ पर एक चीज़ और पूछी जा सकती है कि एस हरीस कौन सी भाषा के कवि हैं तो ये मलयालम भाषा के कवि हैं जिनको ऑथर हैं जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो इनका फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं तो देखो यहाँ पर लिखा भी है मलयालम भाषा ये क्योंकि एक अलग क्वेश्चन बन सकता है इस वजह से इसको अलग कलर से कर रखा है एस हरीश को अपने उपन्यास मुस्तचे के लिए जैसे भी साहित्य पुरस्कार 2020 जो है प्रदान किया गया है इस पुरस्कार के तहत इनको 25 लाख रुपए दिए गए हैं और साथ ही साथ में इनके जो इसका ट्रांसलेटर है उसको 10 लाख रुपए प्रदान किया गया है ये जो जेसीबी भी अवार्ड है ये भारतीय लेखकों को वर्ष 2018 से प्रदान किया जा रहा है जो आप जेसीबी कंस्ट्रक्शन कंपनी जानते होंगे जो कि इक्विपमेंट वगैरह बनाती है उसी के द्वारा एक संस्था है जिसके द्वारा इस अवार्ड को चलाया जाता है अगला क्वेश्चन दोस्तों बनेगा कि शांति और विकास के लिए शांति और विकास के लिए विज्ञान विश्व विज्ञान दिवस वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है तो हर साल दस नवंबर को हर साल टेंथ ऑफ नवंबर हर साल टेंथ ऑफ नवंबर को वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट मनाया जाता है ऑप्शन नंबर बीस का राइट आंसर हो जाएगा इसमें आप देख सकते हैं वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट जो कि हर साल टेंथ ऑफ नवंबर, टेंथ ऑफ नवंबर, टेंथ ऑफ नवंबर को मनाया जाता है तो इसका आप फोटो भी देख सकते हैं जिसको हर साल टेंथ ऑफ नवंबर को मनाया जाता है अब अगर हम लोग बात करें जाए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की तो वर्ष 2020 का जो थीम है इसका वो है साइंस फॉर एंड विथ सोसाइटी इन डीलिंग विद कोविड 19 तो ये इसका थीम हो जाएगा साथ ही साथ में अगर हम लोग एक और पॉइंट में के बारे में डिस्कस करें तो वो है कि प्रतिवर्ष नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है आपको याद होगा मैंने आपको करवाया था कि हर साल 28 फरवरी को हर साल 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है और वर्ष 2020 में जो हम लोगों ने नेशनल साइंस डे मनाया है उसकी थीम थी विमेन इन साइंस जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और शायद एक एग्ज़ाम में मैंने ये क्वेश्चन देखा भी है तो इसकी थीम याद रखेंगे 28 फरवरी को जो नेशनल साइंस डे मनाया गया है उसकी थीम थी विमेन इन साइंस ये आपको याद रखना है अगले शानदार क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन बनेगा किस राज्य में स्थित पक्के टाइगर रिजर्व नॉर्थ ईस्ट राज्यों में कोविड नाइन्टीन के खिलाफ बीमा कवर इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करने वाला पहला राज्य बन गया है तो अगर हम लोग नॉर्थ ईस्ट राज्यों की बात करी जाए तो वहाँ पर पक्के टाइगर रिज़र्व जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित एक टाइगर रिज़र्व जिसका नाम है पक्के टाइगर रिज़र्व उसने क्या किया है उसके जो एक टर्म यूज़ किया है उसने ग्रीन सोल्जर्स ग्रीन सोल्जर्स क्या होते हैं वो सभी लोग जो उस टाइगर रिजर्व में देखभाली का काम करते हैं उन सभी के लिए कोविड नाइन्टीन के समय पर एक इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करने वाला पहला नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बन गया है तो यहाँ पर देखो आप देख सकते हो यहाँ पर ग्रीन सोल्जर्स दिख रहे हैं यहाँ पर टाइगर दिख रहा है लिखा है पक्के टाइगर रिजर्व इन अरुणाचल प्रदेश हैज़ बिकम द फर्स्ट इन द नॉर्थ ईस्ट टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर अगेंस्ट कोविड नाइन्टीन फॉर्ड इट्स ग्रीन सोल्जर तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा साथ ही साथ में मैंने आपको कुछ दिनों पहले ही अरुणाचल प्रदेश के टाइगर रिजर्व वाले क्वेश्चन भी करवाए थे अब यहाँ पर आपको देखो एक और चीज़ समझनी है कि अगर आपसे कोई कोई पूछे कि पूरे भारत के अंदर में कितने टाइगर रिजर्व हैं आंसर हो जाएगा भारत में कुल पचास फिफ्टी पचास टाइगर रिजर्व हैं पूरे भारत के अंदर भारत का नेशनल एनिमल भी टाइगर है आपको पता होगा पूरी दुनिया के कितने प्रतिशत टाइगर भारत में है तो पूरी दुनिया के लगभग एट्टी परसेंट टाइगर जो हैं ये रिज़र्व जो है ये भारत में स्थित हैं तो अब ये आपको याद रखने एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछ लिए जाते हैं दोस्तों चूँकि मैंने आपको बताया कि पूरे भारत के अंदर में टाइगर रिज़र्व की संख्या है पचास तो इस पूरे फिफ्टी टाइगर रिज़र्व की जो लिस्ट है इसको आप यहाँ पर देख सकते हो इसमें आपको सारे जितने भी टाइगर रिजर्व हैं यो ये आपको दिख रहे होंगे ये पूरी लिस्ट है इसमें से देखो आप वीडियो के साथ में तो मेमोराइज नहीं कर पाओगे लेकिन मैं आपसे बोलूँगा कि वेबसाइट पर मैं इसको अपडेट कर देता हूँ डेली बेसिस पर फ्री में आप जाकर वहाँ से इसको जरूर पढ़ा करो ठीक है तो वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे जो इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं उनके सिर्फ देख लेते हैं पहले तो चूँकि हमने पक्के टाइगर रिज़र्व अरुणाचल प्रदेश में जो की है उसको किया है तो लगे हाथ अरुणाचल प्रदेश में जो तीन टाइगर रिजर्व हैं उसका रिविज़न करते हैं पहला है पक्के टाइगर रिज़र्व ये तो आपको अब आप बिल्कुल याद हो गया होगा दूसरा है नाम दफा नाम दफ़ा नाम दफ़ा टाइगर रिज़र्व ये भी वहीं पर है फिर है कमलांग टाइगर रिज़र्व कमलांग टाइगर रिज़र्व ये भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है इसके अलावा मध्य प्रदेश के टाइगर रिज़र्व बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में देखो कौन कौन सा है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व सतपुरा टाइगर रिजर्व कहना टाइगर रिजर्व पन्ना टाइगर रिजर्व पेंच टाइगर रिज़र्व संजय डबरी टाइगर रिजर्व ये जो छ छः टाइगर रिज़र्व हैं मध्य प्रदेश में हैं जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं महाराष्ट्र में भी छः हैं ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं मालाघाट टाइगर रिजर्व पेंच टाइगर रिजर्व तबो, तडोबा तडोबा अंदरी टाइगर रिजर्व सहयाद्री टाइगर रिजर्व एग्जाम में कई बार आपने सुना होगा नावेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व बोर टाइगर रिजर्व तो ये भी आपको याद रखना है जो कि आपसे पूछा जा सकता है मिजोरम में सिर्फ एक है डंपा टाइगर रिजर्व उड़ीसा में देख सकते हैं सिमली पाल बहुत पूछा जाता है सिमली पाल टाइगर रिजर्व कहाँ पर है तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है सतकोसिया टाइगर रिजर्व ये भी उड़ीसा में स्थित है दोस्तों यूपी का भी टाइगर रिजर्व बहुत पूछा जाता है यूपी में दो टाइगर रिजर्व हैं पहला है दुधवा टाइगर रिजर्व दूसरा है यहाँ पर पीलीभीत टाइगर रिजर्व और एक और है जो कि बफर है बफर ऑफ़ कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व उसको भी काउंट कर सकते हैं बाकी जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको करवा दिए हैं उत्तराखंड में कौन कौन सा है जिम कॉरबेट टाइगर रिजर्व राजा जी नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में बुक्सा टाइगर रिजर्व सुंदरबन टाइगर रिजर्व ये वेस्ट बंगाल में है इसको भी आप लोग याद रखेंगे अगले क्वेश्चन में है कि हाल ही में आयोजित किए गए पेरिस मास्टर ट्वेंटी ट्वेंटी टेनिस किताब को किसने जीत लिया है तो आंसर हो जाएगा डैनियल मेडबेडेव तो डैनियल मेडबेडेव ने पेरिस मास्टर्स 2020 का किताब जीत लिया है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा तो यहाँ पर डेविड मेडबेडेव का फोटो देख सकते हैं जिन्होंने इस किताब को जीत लिया है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन बनेगा कि चर्चा में चल रही एक पुस्तक जिसका नाम है योर बेस्ट डे इज टुडे के लेखक का नाम क्या है तो ये जो पुस्तक है जिसका नाम है योर बेस्ट डे इज़ टुडे इस पुस्तक के लेखक का नाम है अनुपम खेर हाल ही में अनुपम खेर ने अपनी इस पुस्तक को लॉन्च करने की घोषणा करी है इस पुस्तक को लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है योर बेस्ट डे इज टुडे यहाँ पर आप इसका फोटो भी देख सकते हैं अनुपम खेर लिखा है योर बेस्ट डे इज़ टुडे ये इस पुस्तक को अमित अनुपम खेर के द्वारा लिखा गया है जिसको हाल ही में जारी किया गया इस पुस्तक में उन्होंने अपनी मां के कोविड नाइन्टीन से ग्रसित होने एवं अपने भाई के कोविड से ग्रसित होने की कहानी को लिखा है और किस तरीके से कोविड लोगों की लाइफ पर इफेक्ट डाल रहा है उसके बारे में अपना इस पुस्तक में एक्सपीरियंस शेयर किया है इसके अलावा कुछ दिनों पहले अनुपम खेर ने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है लेसन्स लाइफ टॉट मी अनलविंगली एंड द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ यू नाम की पुस्तक है ये भी अनुपम खेर जी के द्वारा लिखी गई है अगला क्वेश्चन दोस्तों बनेगा कि बेस्ट ऑफ बेस्ट ऑफ इंडिया सॉल्ट फिल्म फेस्टिवल 2020 के तीसरे संस्करण में शीर्ष पुरस्कार किस फिल्म ने जीत लिया है तो आंसर हो जाएगा एक मूवी है जिसका नाम है नटखट ठीक है तो विद्या बालान ने इसमें अभिनय किया है विद्या बालान इसकी को डायरेक्टर भी हैं उनकी ये जो जो मूवी है जिसका नाम है बेस्ट ऑफ इंडिया शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2020 का जो किताब है ये इसने जीत लिया है तो नटखट इसका राइट आंसर हो जाएगा अगर आप इस मूवी का पोस्टर देखेंगे तो आपको विद्या बालान यहाँ पर दिख जाएगी और यहाँ पर लिखा भी है नटखट और इसके जो डायरेक्टर हैं यहाँ पर जो को डायरेक्टर है उसमें तो विद्या बलान का नाम है लेकिन इस मूवी के डायरेक्टर का नाम पूछा जा सकता है सान व्यास इस मूवी के डायरेक्टर हैं बेस्ट ऑफ इंडिया सॉल्ट फिल्म फेस्टिवल 2020 ठीक है तो ये विनर अनाउंस करी गई है कहाँ पर इसको बेस्ट ऑफ इंडिया शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2020 में इसको बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड जो है प्रदान किया गया है साथ ही साथ में आपको यहाँ पर एक चीज़ और समझनी पड़ेगी कि अगर आपसे कोई पूछे कि वर्ष दो इस दो हज़ार इक्कीस के लिए भारत की तरफ से ऑस्कर के लिए एलिजिबल मूवी कौन सी है तो इस अवार्ड को जीतने के साथ ही ऑस्कर में जाने के लिए इस मूवी को चयन चयनित कर लिया गया है तो नटखट मूवी जो है ऑस्कर के लिए नॉमिनेट कर दी गई है हाँ यहाँ पर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन बना है कि तैतीसवें टोक्यो फिल्म फेस्टिवल 2020 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय फिल्म कौन सी बनी है तो आंसर हो जाएगा कार खीनी सांची वारी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कार खीनी सांची वारी इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि तेंतीसवें थर्टी थर्ड तेंतीसवें टोक्यो फिल्म फेस्टिवल 2020 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय फिल्म मिली है, बनी है जिसका नाम है कार खीनी वारी इसको इसमें शामिल किया गया है इकलौती मूवी है जिसको इसमें जगह मिली है तो इसका फोटो भी आप देख सकते हैं इस मूवी का जिसका नाम है कार खीनी वारी इसको ही टोक्यो फिल्म फेस्टिवल में इसमें शामिल किया गया है इसके बाद में क्वेश्चन बनेगा कि भारत का पहला सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना इंग्लिश में मतलब हुआ इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थापित किया गया है तो आंसर हो जाएगा इसको हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है पहले इसका नाम समझो फिर मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा तो इसका नाम है इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज यानी कि बहुत सारे विलेज के लिए वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट यानी कि बहुत सारे गांवों में पानी की समस्या को खत्म करेगा पानी के सप्लाई करने का ये काम करेगा इसके लेकर ये जो योजना है अरुणाचल प्रदेश में शुरू करी गई है यहाँ पर ख़ास बात यह है कि ये सोलर आधारित एक योजना है जिसको शुरू किया गया है लिखा है इंडियाज़ फर्स्ट सोलर बेस्ड इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट लॉन्च इन अरुणाचल प्रदेश तो अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा इसके लॉन्च के समय का फ़ोटो भी आप देख सकते हैं जिसको हाल ही में वहाँ पर लॉन्च किया गया है इसमें आप देख भी सकते हैं यहाँ पर लिखा है जल शक्ति के जो केंद्रीय मंत्री हैं जिसका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत उन्होंने इसका अरुणाचल प्रदेश में लोअर दिबांग घाटी ज़िले में भारत के पहले सौर ऊर्जा से चलने वाले आई एम वी डब्ल्यू एस पी यानी कि सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल विद्युत जल आपूर्ति परियोजना का उद्घाटन हाल ही में वहाँ पर किया गया है दोस्तों अब हम लोग जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने आज किए हैं उसका रिविज़न कर लेते हैं पहला प्रश्न आर वाला था जिसमें कि एम एस एम ई जो रोजगार देता है उस मामले में पाँचवें स्थान पर आया था उत्तर प्रदेश इसके बाद में हमने क्वेश्चन किया था कि किस राज्य की तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया तो असम इसका राइट आंसर हो गया था फिर उसके बाद में क्वेश्चन किया था कि साहित्य के क्षेत्र में जे सी प्राइज फॉर लिटरेचर दो हज़ार बीस को किसे प्रदान किया गया है तो एस हरीश इसका राइट आंसर हो गया था उसके बाद हमने क्वेश्चन किया है कि वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट हर साल कब मनाया जाता है टेंथ ऑफ नवंबर को मनाया जाता है इसके बाद में क्वेश्चन था कि किस राज्य में स्थित पक्के टाइगर रिजर्व को आ, बीमा कवर प्रोवाइड करने वाला पहला नॉर्थ ईस्टर्न बना है तो अरुणाचल प्रदेश में ये स्थित है इसके बाद में क्वेश्चन हमने किया था ये वाला पेरिस मास्टर 2020 का खिताब किसने जीता है तो डैनियल मेडवेडेव ने इसको जीता है ऑप्शन ए सही हुआ था योर बेस्ट डे इज टुडे पुस्तक के लेखक हैं अनुपम खेर इसके बाद में क्वेश्चन था कि बेस्ट ऑफ इंडिया शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2020 को किसने जीता है तो नटखट नाम की एक मूवी है जिसने इस अवार्ड को जीता है इसके बाद में क्वेश्चन था कि तैतीस टोक्यो फिल्म फेस्टिवल 2020 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय फिल्म कौन सी है तो कार खीनी सांची वारी इसका राइट आंसर हो जाएगा फिर यहाँ पर था कि इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट को अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया है दैट इज़ वेरी राइट आंसर दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कि किसने संयुक्त राज्य अमेरिका का 2020 का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो जीत लिया है अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें